subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज के सीडियो में क्या सोशियोलॉजी का काफ़ी लोग कमेंट कर चुके सोशियोलॉजी का। वैसे मैं सोशियोलॉजी का बनाने वाला वीडियो नहीं था, लेकिन काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सोशियोलॉजी के लिए, तो चलिए मैं वीडियो में बना रहा हूँ। देखिए आपके इस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और देखेंगे इसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। और इसमें बाद अगर आप लोग चाहते हैं और भी वीडियो, तो इसमें से आप लोग जितने वीडियो को लाइक करते हैं शेयर करते हैं, उतने जल्दी मैं आपको अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग सब डिपेंड है कि आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो आपको अगला वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा। और आपको एक चीज़ बताते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन है इसका सबका आंसर लगभग सही दिया जाएगा, लेकिन किसी तरह बाय मिस्टेक किसी का गलती हो जाता है तो कमेंट में आप लोग को बता दिया जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहला है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा? तो ये कौन कहा था आपको पता होगा शायद, ऑप्शन नंबर आ क्या हो जाएगा, खो जाएगा, यानी माइकवर एवं पेज ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका ख हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा, यानी श्रीनिवास ने। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि समाज शास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा, यानी अगस्त कौन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका चौथा क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी सिंधु और कन्हू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आ रहा पाँचवा क्वेश्चन है कि राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, यानी मैक्स वेबर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर का छठा क्वेश्चन है कि कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा, यानी जी एस घुड़िया ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर सातवां क्वेश्चन है कि किसने समाज शास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में वर्णन किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, यानी वार्ड ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां क्वेश्चन है कि प्रशांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नौवां क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पता होगा आपको नौ का हो जाएगा गौ नंबर, यानी चिपको आंदोलन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दसवां क्वेश्चन से आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे किस वर्ष द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष हो गया आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, 1905 ईस्वी को द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग्यारहवां क्वेश्चन है कि आपसी सहमति से तलाक को मुसलमान में कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी मुबारक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बारहवां क्वेश्चन है कि एक शास्त्र के रूप में समाज शास्त्र को डैश के कारण प्रतिष्ठा मिली? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 12 का सी हो जाएगा, यानी इसके सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं के अध्ययन पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे तेरहवां क्वेश्चन है कि मंडल आयोग डैश वर्ष में गठित किया गया था, कौन सा वर्ष है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा, उसके बाद में फिर उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है कि जाति प्रणाली समाज में डैश लाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी दबाव लाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां क्वेश्चन है कि बहुपति प्रथा का अर्थ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी एक से अधिक पति का होना। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्वेश्चन है कि किसने भारतीय नीति को पिछड़े हिंदू माना है, किसने माना? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जी एस घुड़िये ने। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन है, जिस विवाह में एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिलोम विवाह कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रतिलोम विवाह। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन कि परस्पर प्रेम द्वारा विवाह कहलाता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गंधर्व विवाह कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक कब मनाया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 1975 से 85। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है कि निम्न धर्मों में से कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इस्लाम धर्म। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है कि जनांकी का अर्थ है, तो इनमें से कौन हो जाएगा सही आंसर? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा, जनसंख्या का अध्ययन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 22वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामाजिक समस्या है? तो सामाजिक समस्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, यानी भिक्षावृत्ति जो है एक सामाजिक समस्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य उच्च जनसंख्या घनत्व से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार, अगर शायद पश्चिम बंगाल भी सकता है तो आप लोग कमेंट में बताइए, लेकिन बिहार ही सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो संथाल विद्रोह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 1855 ईस्वी को
उसके बाद क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है कि संस्था का अर्थ है, संस्था का क्या अर्थ होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 का ग हो जाएगा नियमों का समूह, नियमों का समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन है आपका कि बिरसा मुंडा का संबंध है, किससे संबंध है। तो पता होगा आपको सबको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा नहीं जनजाति आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख यानी स्पेंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28वां क्वेश्चन है इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क यानी प्रेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक संस्था है। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा नहीं विवाह एक क्या है संस्था है। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो सबको पता होगा मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ए ओ ह्यूम। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन है कि अंत समूह तथा बाह्य समूह के रूप में समूह का वर्गीकरण किसने किया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा ने तानिज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 32वां क्वेश्चन है इनमें से कौन समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 32 का डी हो जाएगा यानी भीड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी भीड़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33वां क्वेश्चन है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी मेकाइवर एवं पेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन है कि सोशल मोबिलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी सोरोकिन। क्वेश्चन नंबर आपका 35वां क्वेश्चन है कि एदग्र गतिशीलता का अर्थ है। तो इनमें से कौन सा अर्थ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी सामान धरातल पर गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर आपका 36वां क्वेश्चन है किसने कहा समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी गिन्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर आपका 37वां क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र अध्ययन करता है कौन करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी मानव व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन है कि कल्चर सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 38 का ए हो जाएगा यानी गिलिन। क्वेश्चन नंबर आपका 39वां क्वेश्चन है किसने कहा कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। तो कौन कहा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी बिर्सले डेविस। क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन कि सोशियोलॉजी नामक पुस्तक कौन लिखा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी इनमें से सभी जो थे सोशियोलॉजी लिखे नामक पुस्तक लिखे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 41वां क्वेश्चन है, यहाँ देख पा रहे हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्माण निर्मित भाग है किसने कहा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी हर्ष कोवितस। अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है। तो परिवार की विशेषता कौन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी औपचारिक संबंध। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 43वां क्वेश्चन है कि ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक कौन लिखा। तो 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा नहीं मैकाइवर ने लिखा, तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन है कि सोशल चेंज शब्द का प्रचलन किसने किया। सोशल चेंज शब्द का प्रचलन किया था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी आर्गवन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45वां क्वेश्चन है निम्न में से किन्होंने सहयोग को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकारों में बांटा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कोगर। क्वेश्चन नंबर 46वां क्वेश्चन है कि भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के रूप में संस्कृति का वर्गीकरण किसने किया है। तो 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा यानी सोरोकिन ने किया था किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 47वां क्वेश्चन कि संस्कृति की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी टर्येलर ने। उसके बाद उस क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है 48वां क्वेश्चन की जाति प्रथा की उत्पत्ति की प्रजातीय व्याख्या से किसका संबंध है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 48 का ए हो जाएगा यानी G.S. घुड़िये। क्वेश्चन नंबर 49वां क्वेश्चन कि समाज में स्तरीयकरण की प्रकृति होती है, ये होती है। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन में कौन ऑप्शन होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी पूर्ण अस्थाई होती है। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि परिवार निर्माण के लिए किनका होना जरूरी है, पता होगा सबको। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा यानी
पति पत्नी। तो यहीं तक वीडियो था, 50 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इसमें इंपोर्टेंट हो सकते थे मैं अपने हिसाब से आपको इंपोर्टेंट कवर कर चुका हूँ। अगर आपने अगला वीडियो चाहते हो तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितना व्यू आएगा, जितना लाइक आएगा, तो उतनी जल्दी आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। तो यहीं तक वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।